दोस्तों मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जब हम गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर रहे थे तो उसमें बहुत ढेर सारी उसमें चींटियां मिल रही थी। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसका दोस्तों सलूशन हम आपको बता रहे हैं कि उसको कैसे हम भगा सकते हैं। हाँ, एक समस्या और आ रही थी कि जो पौधे की मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा नम हमेशा रह रही थी, जो सैडी एरिया में रहती थी उसमें चींटियाँ ज़्यादा थी, और जो पौधे धूप में थी उसकी जब हम गुड़ाई कर रहे थे तो उसमें जो चींटियाँ बिल्कुल ना बराबर थी। तो अक्सर ही जब नम के कारण चींटियाँ नीचे घर बना लेती हैं मिट्टी में, जब घर बनाती हैं तो दोस्तों पूरे पौधे की जो रूट है रूट को डिस्टर्ब कर देती है और पौधा सूख जाता है। हम ले आके फंगिसाइड तरह तरह की चीज़ों को यूज करते रहते हैं। मुझे ये लगता है कि हम पौधे कोई ना कोई फंगस लग गया, कोई ना कोई इसमें इंसेक्ट का अटैक आ गया, इस ये सब चीज़ों का दवा करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों पौधा हमारा ठीक नहीं होता है और इसके कारण पौधा सूख जाता है। तो ये आप जरूर कर लिया करिए। हमेशा हम आपको बताते हैं कि दोस्तों हर 15 दिन पे एक बार मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहते हैं। तो दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करने से भी आप देखते होंगे कि चींटियाँ बिल्कुल कम हो जाती हैं, क्योंकि जब नीचे की मिट्टी ऊपर जाती है तो फिर चींटियाँ ये बाहर निकल के भाग जाती हैं, और नहीं भागती हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको बताता हूँ कि जो सलूशन बता रहे हैं ये केवल मिट्टी के लिए सलूशन बता रहे हैं। इस सलूशन को कैसे बनाते हैं आप देखिए ध्यान से। इसके लिए लेना क्या है, देखिए इसके लिए हम आप देख सकते हैं, इसके लिए ले लेना हम एक ड्रम पानी ले लिया। अब एक ड्रम पानी में हमें क्या क्या मिलाना है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको लेना है विनेगर, आप देख रहे हैं विनेगर कोई से ले लीजिए, और कितना लेना है मात्र इसको लेना है 10 ml, ज़्यादा मात्रा में इसको ना लीजिएगा, मात्र इसको लेना है 10 ml विनेगर को। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमको क्या इसमें लेना है, दूसरे नंबर पर हमको लेना है बेकिंग सोडा। तो सो जो बेकिंग सोडा जो आता है उसको लेना है, और कितना लेना है 10 ग्राम इस पर इसको भी ले लेना है। देखिए 10 ग्राम इसको लेके हम घोल लेते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको क्या लेना है, तीसरे नंबर आपको कपूर लेना है। दोस्तों कपूर कौन सा जो पूजा में काम आता है उसी कपूर को लेना है, और इसको कितना इसको लेना है दोस्तों, इसको भी हम ले लेते हैं ये 10 ग्राम। देखिए इसको लेके और इसको हम हल्का सा इसको पाउडर बना लेते हैं। देखिए ये पाउडर ये बन गया, इसको हम डाल लेते हैं, इसको भी लेना है 10 ग्राम, ध्यान दीजिएगा। तीन चीज़ हम इसमें मिला दिए। उसके बाद चौथी चीज़ क्या मिला रहे हैं, ये मिला रहे हैं ये डिश वॉश। दोस्तों ये चार चीज़ इसमें मिला देते हैं, और इसको कितना मिलाना है दोस्तों, इसको भी कम से कम अब मिला लीजिए 5 ml तक, और इसको मिक्स कर दीजिए। जो हम आपको चार चीज़ें बताए हैं उस चार चीज़ों को इस एक लीटर पानी में मिलाइए, और मिलाने के बाद मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद इसको मिट्टी में दे दीजिए। देखिए जब ऐसी मिट्टी रहती है, अभी देख रहे हैं ये बिल्कुल हमेशा नम रहती है, और खास तो सब जानते हैं कि इंडोर पौधा है तो इसकी मिट्टी हमेशा नम रह रही है, और इसके कारण इसमें इसी गमले के आपको हम दिखाए थे स्टार्टिंग में, इसमें चींटियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने दोस्तों इस पर किया क्या था, इस पर जो सलूशन मैंने आपको बताया ये सलूशन को यूज़ किया था, आप देख सकते हैं इसमें एक भी चींटियाँ आपको नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ एक बात और, जो मैंने सलूशन आपको बनाया है डालने के लिए, इस सलूशन को जब इसमें डालेंगे तो इसमें अगर कोई फंगस भी होगा ना तो फंगस भी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो इस सलूशन को कितना आपको डालना है, देखिए अगर ये 12 इंच की गमला है, 12 इंच के पौधे 12 इंच गमले में हम पौधा लगा रखे हैं, तो इसमें कम से कम 100 ml 200 ml इस तरीके से आप इसमें ये डाल सकते हैं। देखिए इस वाले पौधे में भी हम डाल देते हैं, और इसको जो इस सलूशन को किसी भी पौधे में डाल दीजिए, क्योंकि इसलिए कि जो मैंने सलूशन बनाया ये सलूशन का प्रैक्टिकल रिजल्ट लिया, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों इसका रिजल्ट मिला, और यहाँ तक कि मिट्टी में जो फंगस है फंगस को भी ख़त्म करता है, बहुत बड़े काम करता है, और यहाँ तक कि साथ में आपके पौधे को ग्रोथ भी दिलाया जमीन में। हाँ एक बात ध्यान दें, इसे केवल मान ओनली वन केवल जमीन में यूज करना है, इसको स्प्रे नहीं करना है। इस सलूशन को यूज करिए, और यूज करके कमेंट दोस्तों जरूर करिए। जब आप कमेंट नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरी वीडियो से आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता। दोस्तों जरूर आप कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। अगर देख रहे हैं फेसबुक पेज पर तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।